हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। पिछले वीडियो में लास्ट में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो अचानक वीडियो ख़त्म हो गया था, तो उसी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका वीडियो नंबर 10 हो जाएगा। आप लोग ये मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इस बोर्ड के ऊपर, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देख सकते हैं इसमें क्या है। 2 × 10⁻⁴ कूलम का एक आवेश है ना, उस आवेश के कारण उससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में स्थित कोई बिंदु है, एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी निकालना है और विद्युत तीव्रता का मान भी निकालना है। तो आपका जो आवेश है वो कह रहा है कि ये मान लेते हैं कोई आवेश दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आवेश है, कितना दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻⁴ कूलम ये दिया हुआ है आवेश। और ये कहाँ आवेश है, तो कह रहा हवा में स्थित है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी हवा है, पहले से एयर है, ठीक है ना। और हवा के लिए इसका वैल्यू 1 ही लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट के जो होता है, तो के की वैल्यू 1 ली जाती है, वैसे उसका वैल्यू 1.003 होता है, तो 1.003 का मतलब 1 के ही इक्वल होता है करीब करीब, इसलिए के का वैल्यू जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है हवा का वो 1 ही लिया जाता है। तो ये हो गया, हवा में स्थित एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करिए, लेकिन हवा में जो स्थित बिंदु है कहाँ पे है, तो इससे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर ये पी बिंदु बोल दें तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पे है एक बिंदु, तो कह रहा है यहाँ पे विद्युत विभव बताइए, वीपी बताइए, फिर क्या बताइए, तो विद्युत तीव्रता बताइए, तो ई बताइए, ये दो चीज आपसे कह रहा है निकालने के लिए। तो दोनों का आपको फॉर्मूला पता है, आप पढ़ते हैं वीपी बराबर क्या भाई, तो 1/4 πε0 k, ठीक है ना, k, और क्या, तो इस आवेश के कारण जो आवेश है वो आवेश लेते हैं, प्लस माइनस के साथ लेते हैं, ये प्लस आवेश है तो प्लस के साथ लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, बटा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये पढ़ते हैं आप। तो ये अगर r है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r है, इसको मैं r से संकेत करता हूँ, तो r लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, Vp बराबर ये 1/4 πε0 k की वैल्यू हवा में 1 होती है, तो इंटू 1 हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 इन एयर, ठीक है ना, हवा में 1 एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन 1 ले लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसलिए देता है हवा में, तो 1 की वैल्यू ले सकते हैं आप। और ये q का मान हो गया 2 × 10⁻⁴, और r का मान ध्यान रखना है, यहाँ पे गलती हो जाती है, r का मान जो दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं होता है, SI यूनिट मीटर होता है, तो इसको मीटर में जब तक नहीं बदलेंगे तब तक यहाँ पे अगर आप वैल्यू डाल देंगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि सारा मान ये सब जो लिखते हैं आप वो SI यूनिट में होता है। तो ध्यान रखना है इस पे कि जब भी देता है ऐसा क्वेश्चन तो इसको बदल देता है, मिलीमीटर दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा, तो इस तरीके से देता है, तो ध्यान रखना है 18/100 मीटर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिया, इसका वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹ होता है, एकदम याद रखिए 1/4 πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्या होता है, तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है। और ये इनटू ये कितना r का वैल्यू यहां था, तो ये 2 × 10⁻⁴ बटा आर का वैल्यू कितना है, तो 18 डिवाइडेड बाय 100 है तो ऊपर चला जाएगा, 18/100 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना, कितना बच रहा है, तो वीपी की वैल्यू आ रही है 9 और 2 मिलकर के 11, ये 10⁻² है, 11 में से 4 गया तो 10⁻⁷, कितना वोल्ट आ रहा है ना, तो ये आपका आ रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जिसको आपको कहा था निकालने के लिए विद्युत विभव का मान कितना होगा, विद्युत तीव्रता कह रहा है, तो विद्युत तीव्रता जो है, चूंकि ई पी बराबर सब कुछ वही रहता है 1/4 πε0 ये भी के यहाँ क्यू, इसमें हमने कहा था उसको प्लस माइनस के साथ नहीं लेते, ये दिशा बताता है, तो क्यू बटा आर स्क्वेयर या आर का होल स्क्वेयर होता है, और अगर ये धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होती है, मैंने यहाँ पे प्लस है
लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, तो विद्युत क्षेत्र उसी उन दोनों बिंदुओं मतलब आवेश और जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है उस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की दिशा में बाहर की दिशा में होती है। तो ये दोनों को जोड़ने वाली रेखा ये है, इस आवेश से ये प्लस आवेश है, तो इस आवेश से बाहर की दिशा में, तो ये बाहर की दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, तो ईपी जो होगा वो बाहर की दिशा में, ठीक है ना। तो अगर मैं इस बिंदु को ओ लिख दूं तो कह सकते हैं अगर दिशा बतानी है तो ओपी की दिशा में होगी, ओपी के ऊपर कैप लगा देते हैं, टोपी लगा देते हैं, एकल सदिश जिसको यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं। फिर से ये हो गया वही चीज, 9 × 10 पे के का मान 1 है ही, तो ये 9 × 10 पे पावर 9 हो जाएगा, इंटू क्यू का मान वही 2 × 10 पे पावर -4। लेकिन इस बार ये जो है ये दो बार लिखना पड़ेगा, 18/100 का स्क्वायर है, तो 18 × 18 और 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 × 100 ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू 9 × 2 = 18, ये 9 × 10 = 1 तो कैंसिल हो जाएगा और बाकी 18 = 1 बच जाएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं, तो उसको वैल्यू वाइज कितना हो जाएगा, तो ये हो गया ईपी बराबर कितना हो गया, तो आपका है ये 10^1/18 हो गया, गुना ये 10^4, ये देखिए 4 है और ये 4 मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 10^9, है ना। ये 10^9 इतना तीव्रता को न्यूटन पर कूलम बोलते हैं, तो न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। दिशा किधर है, तो ओपी की दिशा है, बाहर की दिशा है, तो ये वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। बाकी तो इसको दशमलव में आप बदल ही सकते हैं, तो 1/18 का दशमलव में बदल दीजिए जितना भी आता है, 18 छक्का टोटल से मतलब 0.6 या 5 5 5 के आसपास आएगा, तो इसको आप वैल्यू वाइज लिखिएगा, तो भाग दे करके जैसे 18 से भाग देते हैं तो दशमलव 0 डालिएगा, नहीं भाग लगेगा फिर 0 डालिएगा, फिर 0 डालेंगे तो 18 × 5 = 90 हो गया, 10 हो गया, फिर से 0 डालेंगे तो फिर से वही मैं कह रहा था 5.5 के आसपास आएगा, तो हो गया 0.5 सॉरी 0.055 × 10^9 या गया। और इसका वैल्यू और लिखिएगा तो हो जाएगा, इस दशमलव को इधर खिसकाइएगा तो 5.5, और जितना खिसकाएंगे उतना ये घट जाएगा, मतलब 10^7 हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम, ये हो गया मान, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीरो दशमलव 4 μC आवेश के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु P पर 0.4 μC के कारण इससे 0.4 μC के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, इससे 9 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, 9 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करें, P पर विद्युत विभव ज्ञात करें, क्या कह रहा है। यदि 2 nC के एक अन्य आवेश को अनंत से, यदि 2 nC के एक अन्य आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जाए, बिंदु P तक लाया जाए तो कितना कार्य संपादित होगा,
तो कितना कार्य संपादित होगा? तो कितना कार्य संपादित होगा? ये क्वेश्चन दिया आपको, कह रहा है 0.4 माइक्रो कूलम का एक आवेश है, ये वाला है ना, और उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है ना। तो वहां पे पहले विद्युत विभव बताइए, क्या कह रहा है? 0.4 माइक्रो कूलम का एक आवेश है ना, 0.4 माइक्रो कूलम का एक आवेश है, मान लेते हैं ये Q है, ये वाला आवेश है ना, माइक्रो कूलम। कूलम का मतलब कूलम किसका मात्रक होता है? ऐसा ही मात्रक आवेश का, तो आवेश नहीं भी लिखा है तो आपको मात्रक से समझना पड़ेगा। माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6 होता है, तो ये ध्यान रखना है कि माइक्रो दे दिया है, जैसे सेंटीमीटर देता है उसी तरीके से माइक्रो देता है, मिली देता है। 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ये आर जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया है कि दूरी पर स्थित बिंदु एक पी है, दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकालिए, VP बताइए, तभी निकाले। VP बराबर क्या निकाले आप? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये Q जो आपका होता है आवेश, अब बटा R² नीचे वाला जो है R का, सॉरी R² में केवल R लेते हैं तो R होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू 9 × 10 पे पावर 9 होता है। Q का मान कितना है? तो 0.4, माइक्रो को बोलते हैं -6, तो -6 हो गया। अब बटा ये R का मान 9 सेंटीमीटर, तो 9 अभी आपने को मैंने कहा था सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, तो 9/100 मीटर करना पड़ेगा, क्योंकि तो सारा जो है ये आपका SI यूनिट है, तो इसको भी SI यूनिट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 9 × 10 पे पावर 9 × 0.4 × 10 पे पावर -6 × ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 रह जाएगा केवल 9, इसको इसको गुणा बदलिएगा तो 100/9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 0.4, ये और ये 9 और 2 मिलकर के 11, 11 में 6 जाएगा तो 5 10 पे पावर 5, और इसको आप 4 × 10 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्या भाई? तो विद्युत विभव को वोल्ट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10 पे पावर 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। अब कह रहा है एक क्वेश्चन और, कह रहा है कि यदि 2 नैनो कूलम के एक अनावेश को अनंत से पी तक लाया जाता है। अब देखिए इस जो आवेश है, ये 2 नैनो कूलम का एक आवेश कहाँ रखा हुआ है? तो अनंत पे रखा हुआ है। 2 नैनो कूलम का एक अनावेश है, कहाँ रखा हुआ है? तो अनंत पे रखा हुआ है, और अनंत से उठा के हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा संपादित होगा ये पूछ रहा है। तो हमने कहा था कि भी अनंत से पी तक लाते हैं तो क्या लिखेंगे? VP - V अनंत। वैसे तो आपको मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका, और जिस चार्ज को लाते हैं उसके अनुपात को उस बिंदु का विभव कहा जाता है। ये जो आपका सबसे पहला वीडियो है उसके अंदर मैंने यही तो समझाया है कि दो बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होता है, और दो बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वहीं से मैंने किसी एक बिंदु का विद्युत विभव परिभाषित किया था। तो मैंने यही वहां पे परिभाषा बताई थी आपको कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं उस आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है VP - V अनंत, वी अनंत 0 माना गया है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे VP, ऐसे भी लिख सकते थे भी, ये तो मैं लिख लेता हूँ ऐसे WQ, ये होता है जिस आवेश को लाते हैं उसको, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे VP = WQ, क्योंकि ये परिभाषा ही है, अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, तो उस बिंदु P का जो विद्युत विभव होगा वो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को यहां से यहां तक जब लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उस वर्ग का, और जिस आवेश को लाएंगे उसका अनुपात होता है।
तो डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, और यहाँ से वीपी बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान हमको निकालना है। देखिए कितना कार्य संपादित होगा, तो डब्ल्यू नहीं पता, वीपी पता है, वीपी तो अभी आपने निकाल लिया, ये देखिए 4 × 10^2, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, बी अनंत का मान 0 होता है, यहाँ से भी लिख सकते थे, बी अनंत का मान 0 होगा तो वीपी माइनस 0 वही हो जाएगा, ठीक है ना, वीपी माइनस 0 इज इक्वल टू वीपी हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऐसे लिख देता हूँ वहां पे, बी अनंत का मान 0 होगा, ठीक है ना, बाकी डेफिनेशन से ही पता चलता है, ऐसा कुछ उसके अंदर आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ही है वो, तो डेफिनेशन से ही आप ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, और इसके बाद वैल्यू रख दीजिए, तो ये वीपी की का मान है 10 × 4 × 10^4, है ना, डब्ल्यू निकालना है, और नीचे चार्ज दे रखा है 2 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10^9 - 9, तो ये नैनो कूलम आ गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है 1 × W W हो गया, और इधर 4 × 8 हो गया, और 10^4 और 10^9, तो 10^-5 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 9 - 9 जुड़ जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है, इतना जूल का वर्ग होगा, मतलब 8 × 10^-5 जूल का वर्ग करना पड़ेगा उसको आपको लाने के लिए, वहां से अनंत से लाने के लिए, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 × 10^-6 कूलम का एक आवेश हवा में स्थित है। क्वेश्चन है 2 × 10^-6 कूलम का एक आवेश हवा में स्थित है, 5 × 10^-8 कूलम के आवेश को 5 × 10^-8 कूलम के एक आवेश को पहले आवेश से 0.5 मीटर की दूरी पर पहले आवेश से 0.5 मीटर की दूरी पर पहले आवेश से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से दूरी पर स्थित एक बिंदु से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु पर एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन, इतना कार्य करना। कैसे निकालेंगे, तो क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा है, 2 × 10^-6 कूलम का एक आवेश हवा में स्थित है,
मान लीजिए कुछ कोई आवेश ये है, ये हवा में स्थित है, 2 × 10⁻⁶ बोल रहा है, ये ले लिया मैंने क्यू, लिख दिया इसको कि क्यू है। अब कह रहा है 5 × 10⁻⁸ का एक आवेश को पहले आवेश से 0 दशमलव, पहले आवेश मतलब ये वाला आवेश, और पहले आवेश से कितना डिस्टेंस पे है, तो 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, मतलब 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु पर इस आवेश को पहले 5 × 10⁻⁸ के एक आवेश को पहले आवेश से 5 × 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित, तो पहले आवेश से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु, कोई बिंदु है, ये मान लेते हैं बिंदु O है, ये बिंदु P है, तो P से कहाँ, तो दूसरे बिंदु 0.1 मीटर है ना, इससे 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरा बिंदु Q है, एक बिंदु से 0.1 मीटर, इस बिंदु से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु तक इस आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 5 × 10⁻⁸ के एक आवेश को पहले आवेश से इस आवेश को जो है, कह रहा है कि इस आवेश से इतना दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, वहां से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु है, वहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कैसे निकालिएगा। ये आप क्वेश्चन समझ रहे हैं कि यहाँ पे पहले से एक आवेश रखा हुआ है ना, इससे 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इस बिंदु पर एक आवेश 5 × 10⁻⁸ है, जिसको हमको ले जाना है बिंदु Q तक, जो कि इस बिंदु से 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि दो बिंदु के बीच में जब आवेश को ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो दोनों बिंदु के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब बता जब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विद्युत विभव जो हम विद्युत विभवांतर जो परिभाषित करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक किसी आवेश को अगर ले जाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है उसका, और जिस आवेश को ले जाते हैं उसके परिमाण का अनुपात दोनों के बिंदु के बीच का विभवांतर होता है, ठीक है ना। और आप ये भी देख रहे हैं कि इस आवेश से ये वाली बिंदु नजदीक है और इसी आवेश से ये वाली बिंदु दूर है, आपको पता है कि किसी आवेश से जो नजदीक बिंदु होता है वहां पे विद्युत विभव का मान ज्यादा होता है, दूर वाले पे विद्युत विभव का मान कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला बिंदु है VP, जो P है यहाँ पे VP का मान ज्यादा होगा और Q का मान कम होगा, तो दिख रहा है आपको कि OP जो है और PQ, तो ये दिख रहा है OP और OQ में कौन सा ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो P कम डिस्टेंस पे है, कह सकते हैं सेंस OP क्या है, छोटा है OQ से, O से Q का दूरी दिख ही रहा है 0.6 मीटर, ये 0.5 मीटर है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब दूरी ज्यादा है तो VP ये जो है बड़ा हो जाएगा VQ से, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है, जो विद्युत विभव का मान होता है क्या होता है, 1/4 πε₀Q/r। मैंने ये सारी चीजें पहले भी बता रखी है कि नीचे r है तो डिनोमिनेटर में हर में r है, हर में जो वैल्यू बड़ा होगा उस राशि को छोटा कर देगा, ठीक है ना, तो Q/r होता है, तो r का वैल्यू यहाँ पे O से P का 0.5 मीटर है तो उसको बड़ा कर देगा, और O से Q का वैल्यू 0.6 मीटर है तो उसको छोटा कर देगा, मतलब इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कम होगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्यादा होगा, तो अगर ये ज्यादा विभव है ये कम विभव है, तो VP − VQ है ना, ये जो है आपका आप पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब VP − VQ लिखेंगे तो आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और वर्क करना पड़ता है जो, तो कहने का मतलब है कि वर्क कैसे करना पड़ेगा, जब आप आवेश को लाएंगे तब आवेश को हमको P से Q ले जाना है, तो P से Q ले जाने का क्या मतलब है ये समझिएगा, तो
पी आपका हाई पोटेंशियल पे, ये देखते हैं चार्ज जो, ये आवेश जो है, ये आवेश क्या है, प्लस में है, तो प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर होगा। इसको समझिएगा थोड़ा तो आप ज्यादा आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। विद्युत क्षेत्र दोनों को जोड़ने वाली रेखा जो होती है उसके दिशा में होता है, बाहर की दिशा में, तो प्लस से बाहर की दिशा में होगा। अब विद्युत क्षेत्र जब बाहर की दिशा में है इधर, और विद्युत क्षेत्र क्या करता है, तो किसी आवेश को अपनी ही दिशा में ले जाना चाहता है, तो ये वाला विद्युत क्षेत्र इस आवेश को तो अपनी ही दिशा में ले जाना चाहेगा। देख रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र है और ये भी धन आवेश है, प्लस तो है, इसका मतलब इसको अपनी दिशा में ले जाना चाहेगा, विद्युत क्षेत्र ही ले जाना चाहेगा। तो आपको यहां से यहां तक लाने की जरूरत नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र तो खुद ही लेके चला जाएगा, तो हमें ले जाने में काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, छत के ऊपर हैं, अपने घर के छत के ऊपर खड़े हैं, अब वहां से किसी सामान को नीचे लाना है, तो आपको लाने की जरूरत नहीं, आप तो केवल सिंपल जो है उसको गिरा देंगे तो नीचे आ जाएगा, आपको लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन ले आता है, तो विद्युत का, जो विद्युत कह रहा हूँ वहां पे, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो उसके ऊपर लगता है, वो खुद ही ले आता है उसको, क्योंकि नीचे की दिशा में खींच रहा है। लेकिन अगर आप चाहेंगे ऊपर की दिशा में ले जाना, तो ऐसे नहीं जाएगा, आपको ले जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की दिशा में ला सकता है, ऊपर की दिशा में नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऊपर की दिशा में लाने के लिए आपको लेके आना पड़ेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उसी तरीके से क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र किसी भी धन आवेश पे अपनी दिशा में बल लगाता है, किसी भी ऋण आवेश पे अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये तो धन आवेश है, प्लस है, इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र इसको अपनी दिशा में खुद ही ले जाएगा। तो जब खुद ले जा रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल खुद उसको नीचे ला रहा है, तो हमें काम करने की जरूरत कहाँ है, हम तो सिंपल उसको छोड़ देंगे, नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से इसको आपको लाने की जरूरत नहीं है, विद्युत क्षेत्र खुद ला रहा है, तो आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, तो खुद लेके आ जाएगा, है ना। तो VP माइनस VQ जब करेंगे, तो वर्क डन जो है ना, वो खुद जो है आपका लेके आएगा, कौन, जो विद्युत क्षेत्र है। तो आपको पता है कि जब P से Q आ रहा है, तो VP बड़ा है, VQ छोटा है, तो आप जनरली जो विद्युत विभवांतर लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब कोई भी सिस्टम खुद ही वर्क करता है, जैसे ये विद्युत क्षेत्र खुद ही कार्य कर रहा है, तो ऐसे में वर्क डन निगेटिव आता है, क्योंकि खुद कार्य कर रहा है तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा, जो काम करता है, जैसे आप कुछ काम करते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो आप काम करेंगे तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि काम जब खुद कोई सिस्टम करता है, कोई निकाय खुद काम करता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिस पे काम होता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई सामान है उसको नीचे से ऊपर ला रहे हैं, आपकी आप ला रहे हैं, तो उसका मतलब है आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी। आप नीचे से ऊपर ले जाकर छत पे रख दिए, तो आपको पता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी MgH बढ़ गई, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, MgH बोलते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है उसके पोजीशन से, मतलब आपने काम किया, उसको उठा के ऊपर ले गए, तब ना उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ी। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि जब आप किसी के ऊपर वर्क करते हैं, तो उस तरीके का चीज आता है। तो ध्यान रखना है कि ये वर्क जो है यही करेगा, विद्युत क्षेत्र खुद करेगा, पी से क्यू तक अगर जाना है तो, ठीक है ना, हमें करने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं दोनों के बीच का विभवांतर लिखूं, तो क्या होगा, देयरफॉर VP माइनस VQ बराबर, यहां से यहां तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा, W मान लेते हैं, अब बटा जिस आवेश को ले जा रहे हैं, ये आवेश को तो मैंने Q1 मान लिया, यहाँ पे ये आवेश को Q2 मान लिया, तो जिस आवेश को ले जा रहे हैं वो Q2 है, ये आ गया। अब VP माइनस VQ में ये वाला जो मान है वो निकालना पड़ेगा। VP क्या होगा, तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इस आवेश के कारण यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो बाद में आप यहां से यहां ले जा रहे हैं, मतलब इस आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत विभव और यहाँ पे विद्युत विभव निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा ये वाली दूरी OP माइनस, क्योंकि क्या होता है, आवेश बटा जो दूरी होती है। उसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हवा में स्थित है, शुरू में दे दिया है हवा में स्थित है, तो हवा के लिए K का मान 1 होता है, ये हो गया VQ, यहाँ पे निकालना है तो हो गया Q1 के चलते, तो Q1 लिखेंगे।
अब अटैक का कितना दूरी है, तो ओ क्यू दूरी है, तो ओ क्यू लिखेंगे, ये हो गया वी पी माइनस वी पी बराबर डब्ल्यू क्या है तो निकालना है वर्क डन कितना कार्य करना पड़ेगा। अब बेटा Q2 का मान क्या है, तो Q2 तो आपको पता है ही 5 × 10⁻¹। अब ये वाला जो मान है Q1, ये देख रहे हैं सब में कॉमन है, तो इसको बाहर कर लीजिए Q1 बटा 4πε, ये हो गया 1/OP, OP का मान 0.5, ये है ना माइनस 1/ कितना तो OQ 0.6, ये 0.5 और प्लस ये तो 0.6। W निकालना है, Q2 यहाँ पे रख लेते हैं, अब वैल्यू इसको रख देते हैं सबका, तो ये 1/4πε0 का मान कितना होता है तो 9 × 10⁻¹। और गुना Q1 का मान कितना है, ये Q1 है ऊपर में, तो हो गया 2 × 10⁻¹⁶, 2 × 10⁻¹⁶, ये हो गया है ना। इसका एलसीएम लीजिएगा, ये हो गया 0.5 × 0.6, इधर चला गया 0.6 − 0.5, ठीक है ये आ गया। और बराबर आपको W, W बटा, ये W बटा क्या है Q2 है, तो Q2 का मान कितना है, Q2 का मान हो गया हमारा ये वाला 5 × 10⁻¹⁸, तो ये लिख लेते हैं 5 × 10⁻¹⁸, ठीक ना, ये हो गया वैल्यू वाइज। अब इस वैल्यू को अगर सोल्व करिएगा तो कैसे आएगा, ये देखिए गुना होकर के इधर आ जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, W निकालना उधर रह जाएगा, ठीक है वो जगह 9 × 18, ये 9 × 18 कर लेते हैं, गुना 10⁻¹⁹ है माइनस 6 है तो 3 हो जाएगा, तो और ये इधर आ जाएगा तो हो गया 5 × 10⁻¹⁸, आइए 0.6 में गया तो 0.5, आइए हो गया 6×5 = 30 है ना, और 2 पे लाइएगा तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है ना, 6×5 = 30 है, और ये हो गया W, ये दोनों में दशमलव है, एक एक स्थान पे दशमलव है तो दशमलव दोनों जगह से गायब हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 18 × 5 × 10⁻³ और −8 मिल करके −5 हो गया। अब बटा है ना 1 × 3, ये 1/3 हो गया बराबर W, तो 3 से ये कट गया 6 हो गया, तो हो गया 6×5 = 30 और × 10⁻¹⁵ है ना, एक ना डाल दीजिएगा तो हो गया 3 × 10⁻¹⁴, ये ना आएगा 3 × 10⁻¹⁴ जूल बराबर W, 3 × 10⁻¹⁴ जूल बराबर W आ रहा है। तो ये वर्क जो है, लेकिन ध्यान रखना है कि सही मायने में अगर बोलिए तो ये वर्क करना नहीं पड़ रहा है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक ही रहने देते हैं, और इसको देखिएगा सही से बनाइएगा, कहीं दिक्कत होता है तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, तो लाइक भी करिए शेयर भी करिए, दोस्तों को बताते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जो घंटी वाला आइकन है, क्योंकि वो अगर दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि वीडियो डल चुका है, मैं रोज़ वीडियो डाल ही रहा हूँ अभी तक, और आप उसका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए मन लगा करके, क्योंकि एग्ज़ाम तो नज़दीक है ही, हो आना हो तो बाद की बात है, लेकिन डेट शीट तो आ गया आप लोग का, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, देख ही रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अपलोडिंग है उसमें दिक्कत होती है थोड़ी, तो उस वजह से है, मतलब मुझे भी सुबह सुबह थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेहनत है जो प्रयास है उसको आप लोग सफल बना सकते हैं, अगर आप उसको सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बताया है वो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो फिर से एक बार बोलूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए,
शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और लोगों को बताते भी रहिए और चैनल का फायदा उठाइए, है ना। इन्हीं बातों के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग।